स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। आई जस्ट शेयर्ड द बुक। जो बुक आप लोगों के पास है वही ये है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, आप चाहे तो बुक में ओपन कर सकते हैं, चाहे तो यही स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पेज नंबर 8.30। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सबको विजिबल है स्क्रीन? चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 इट इज, एंड इट हैज सेड दैट इज पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी डू हैव इज, द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रुपीज 15,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर नॉट रिकवरेबल एंड द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल इज नोन एज वॉट, इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। ओके, सो द अमाउंट फ्रॉम राकेश हैज बिकम बैड डेट। सो वॉट विल बी द जनरल एंट्री फॉर बैड डेट? एज यू नो दैट बैड डेट इज एन एक्सपेंस, सो इट शुड बी डेबिटेड, एंड द अमाउंट वॉज रिकवरेबल फ्रॉम बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम रमेश। So which account should be credited? The Ramesh account should be credited. Let us check the journal entry for this transaction. The journal entry for this transaction will be bad debt account debited to Ramesh's account. Now you can see over your screen, the first journal entry we are having is, that is Ramesh's account debited, sorry, bad debt account debited to Ramesh. And the amount rupees 15,000 in the debit column in front of bad debt, and rupees 15,000 in front of Ramesh in the credit column, being bad debts written off. Okay. Similarly, we have to check the other transactions also. So the second we are having is Mohan, who owed rupees 20,000, has became insolvent. मोहन जिससे 20,000 रुपीज हमें लेना था वो इंसॉल्वेंट हो गया। ही पेज 50 पैसे इन अ रुपी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब है 50% अमाउंट उससे रिकवर हो सका, यानी कि जो अमाउंट आपका उससे ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है आपका उससे, आपका उससे अमाउंट ड्यू है रुपीज 20,000 का, और 20,000 का 50% कितना हो जाएगा, 20,000 का 50% हो जाएगा रुपीज 10,000। सो आउट ऑफ रुपीज 20,000 उससे आपको रिकवर कितना हुआ, 10,000। रिमेनिंग 10,000 क्या हो गया आपका, बैड डेट हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं क्या बनेगी, दैट इज इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीज 10,000, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड अगेन रुपीज 10,000। देखिए, ये भी आपके सेकंड जर्नल एंट्री की हुई आपके सामने स्क्रीन पे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीज 10,000। ओके, after that bad debt account debited again rupees 10,000, 50% bad debt हुआ ना, and to Mohan account rupees 20,000 in the credit column। okay, Mohan जिसको credit किया उसके सामने credit column में amount आएगा, being 50 पैसे in a rupee received from Mohan out of the debt of rupees 20,000 in full and final settlements। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में हम आते हैं third transaction पे, received cash rupees 5,000, received कैश रुपीज 5,000 फॉर अ बैड डेट रिटन ऑफ लास्ट ईयर। एक ऐसा अमाउंट जो आपने लास्ट ईयर एज ए बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, वो अमाउंट अभी आपको रिसीव हो गया है। इसके लिए इसका नेचर क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझें, दिस अमाउंट 5,000 इज नोन एज बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर दिस? इट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड। द जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड to bad debt recovered account, and the amount will be rupees 5,000 in debit and rupees 5,000 in credit, okay? Being the cash received on account of recovery of bad debt which was previously written off। तो ये तीन जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई, जिसमें जो कि बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, ज्यादा स्क्रॉल हो गया, वेट, क्या था हमारा पेज नंबर 14 था,
ज्यादा आगे, चलिए कोई बात नहीं, आगे ले लेते हैं। लॉस बाय फायर वगैरह मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी कि अगर आपके गुड्स फायर आर लॉस बाय फायर द जनरल एंट्री वी पास फॉर दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और अगर चैरिटी में गुड्स देते हैं तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए थे द सेवन एक्सेप्शनल सिचुएशंस इन विच वी यूज टू क्रेडिट द परचेजेस अकाउंट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। कल हमारी क्लास है अकाउंटेंसी की जिसमें हम लेजर पोस्टिंग पढ़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट और कैश डिस्काउंट, इसके डिफरेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो उसमें कोई दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम इसमें देखते हैं कि और कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो रह गए हैं या फिर आपको कुछ रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज एज वंस आई विल मूव टू द लेजर पोस्टिंग तो फिर आपके जो जर्नल है वो क्लोज हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन एक दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये है। पेज नंबर आपका होगा, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, इट मस्ट बी पेज नंबर, अच्छा यहाँ पे पेज नंबर नहीं आया, पेज नंबर 8.32 या फिर 8.33 होगा, पेज नंबर 8.33। ठीक है, देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी डू हैव इज ऑन April 1st, 2018 paid into bank for opening a current account ₹20,000। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या लिखी हुई है, 2018 April 1st bank account debited to cash account ₹20,000 in debit and ₹20,000 in credit being the cash deposited into bank। आपके पास में ट्रांजेक्शन अगर आए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो भी यही जनरल एंट्री करनी है, अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन आता है ओपनड बैंक अकाउंट तो भी आपको यही एंट्री करनी है, अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन आता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक पेड इनटू बैंक तो भी आपको यही एंट्री करनी है। ठीक है, तो सेम रहता है, बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं, वी डू हैव द सेकेंड ट्रांजेक्शन ऑन April 3 डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट एज कैपिटल। तो अगेन आपने डिपॉजिट किया है, एक चेक डिपॉजिट किया है, तो चेक को कहाँ पे डिपॉजिट करोगे, ऑब्वियस बात है बैंक में डिपॉजिट करोगे, और एज ए कैपिटल आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाती है आपकी, दैट इज यू हैव ब्रॉट अ सर्टेन कैश इन द बिजनेस बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ बैंक। सो इन दिस एंड ₹1 lakh इज द अमाउंट ये दे रखा है यहाँ पे आपको सामने। सो इन दिस ट्रांजेक्शन द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जनरल एंट्री आपको नजर आ रही है, मैं बराबर से इनको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आपके माइंड में किसी एंट्री में अगर कोई डाउट लगता है तो आप बीच में अपना माइक्रोफोन इनेबल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने एंट्री कर रखी है, ₹1 lakh इन द डेबिट एंड ₹1 lakh इन द क्रेडिट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा और कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखेंगे हम। ट्रांजेक्शन नंबर ओके, ये फिर से ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, एक बार वेट कीजिए जी। ट्रांजेक्शन नंबर 3 हम देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड हमारे पास में है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। April 3rd पे लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹3,000। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज तो लिखा नहीं है इसने, इसने प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड यूज तो लिखा नहीं, तो हम क्या मानते हैं क्या इसने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया। तो आप देख सकते हैं April 3rd पे क्या जनरल एंट्री की हुई है, ऑन April 3rd देयर इज अ जनरल एंट्री दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हाँ, अगर उसने विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज किया होता
तो यहाँ पे जनरल एंट्री हो जाती ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं था तो हमने क्या सपोज कर लिया, दैट इज बीइंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज के लिए होता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में फोर्थ ट्रांजेक्शन है, दैट इज प्लेस्ड। यहाँ पे देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन में रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए, प्लेस्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से अमाउंट आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर किया, हु इज द रिसीवर, फिक्स्ड डिपॉजिट इज द रिसीवर, हु इज द गिवर, द बैंक इज द गिवर। सो द जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक बार देख लेते हैं जनरल एंट्री ऑन अप्रैल 5। ठीक है, तो अप्रैल 5 पे देखिए जनरल एंट्री की हुई है यहाँ पे आपके सामने, दैट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट रुपीज 50,000 इन डेबिट इन फ्रंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, हमने अमाउंट लिखा है 50,000 डेबिट कॉलम में, एंड इन फ्रंट ऑफ बैंक हमने अमाउंट लिखा है क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, अप्रैल 5 पे हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 10। तो देखते हैं अप्रैल 10 पे हमारे पास में क्या ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 10 वी हैव द ट्रांजेक्शन दैट इज गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किया है और जो अमाउंट है वो आपने कैश में पेमेंट नहीं किया बल्कि आपने चेक से पेमेंट किया है। तो ये देखिए अप्रैल 10 पे हम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, ऑन अप्रैल 10 we have the journal entry that is purchases account debited. आपको याद होगा जब भी goods purchase करते हैं तो purchase account को debit किया जाता है, so purchases account debited to bank account, और bank क्यों लिखा हमने, क्योंकि check से payment किया था, rupees 25,000 in debit and rupees 25,000 in credit. ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम next transaction लेते हैं April 17 पे क्या transaction हमारे पास में है। so let us see for that. On April 17, we do have the transaction sold goods to Rakesh against check. आपने गुड सेल किया है और जो आपने गुड सेल किया वो अगेंस्ट चेक आपने सेल किया, कैश नहीं मिला आपको बल्कि चेक मिला है। इसी के साथ में अप्रैल 18 पे देखो क्या ट्रांजेक्शन लिखा है। इन दोनों ट्रांजेक्शन को आपको साथ में पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें इस बात को। क्या कि अप्रैल 17 पे तो लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक, है ना, और अप्रैल 18 पे क्या लिखा है, अप्रैल 18 पे भी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अप्रैल 18 पे लिखा है दैट इज चेक ऑफ राकेश डिपॉजिटेड टू बैंक। इस इन दोनों ट्रांजेक्शन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि हमने 17th अप्रैल को जो चेक रिसीव किया था, क्या हमने उस चेक को सेम डेट पर 17th अप्रैल पे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया था क्या? नहीं। अगर ऐसा कर दिया होता तो फिर 18th अप्रैल को आप कहां से डिपॉजिट करते? तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि हमने 17th अप्रैल को चेक रिसीव किया और 18th अप्रैल को उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज देखते हैं क्या हो जाएगी, 17th अप्रैल और 18th अप्रैल की जनरल एंट्री हम दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये स्पीड में स्क्रॉल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कितने पेज स्क्रॉल हो गए। जस्ट एक मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको वापस से अपना सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अपन आगे गए या पीछे? आगे। पेज नंबर याद है किसी को, क्या पेज नंबर था हमारा? जी, आपके स्क्रीन पर उसका सॉल्यूशन आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कौन सा देखना है, अप्रैल 17 और अप्रैल 18 के जो ट्रांजेक्शन है इनकी जर्नल एंट्रीज हम एक साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रैल 18 पे जो आपने चेक डिपॉजिट किया है वो अप्रैल 17 पे आपने रिसीव किया था। ठीक है, तो अप्रैल 17 पे हमने जनरल एंट्री की है, जब हमने गुड सेल किया और चेक रिसीव किया तो हमारी जनरल एंट्री की हमने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू राकेश अगेंस्ट चेक, चेक नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक द सेम डे, रुपीज 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। और अप्रैल 18 पे आपने क्या जनरल एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट, रुपीज 10,000 इन डेबिट एंड 10,000 इन क्रेडिट। तो अप्रैल 17 पे आपने गुड सेल किया और चेक रिसीव किया और अप्रैल 18 पे आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है।
तो ये चेक इन हैंड अकाउंट एक आपको ओपन करना है। ये चेक इन हैंड अकाउंट कब ओपन होता है? चेक इन हैंड अकाउंट तब ओपन होता है जब आप चेक जो आपने रिसीव किया है वो सेम डेट पे अगर आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तब हम इसे ओपन करते हैं। सपोज करें, अब जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। सपोज करें कि अप्रैल 17 पे जो हमने चेक रिसीव किया था वो सेम डेट पर ही अगर हमने डिपॉजिट कर दिया होता बैंक में, तो हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हमें दो जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम अप्रैल 17 पे जर्नल एंट्री क्या करते, द जर्नल एंट्री ऑन अप्रैल 17 वुड बी, है ना, जर्नल एंट्री ऑन अप्रैल 17 वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ ये किस सिचुएशन में बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपने जो चेक रिसीव किया वो सेम डेट पर ही अगर आपने डिपॉजिट कर दिया होता, तो अगर हमने उस चेक को सेम डेट पे डिपॉजिट कर दिया होता तो हमें दो सेपरेट जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट डायरेक्ट जर्नल एंट्री हमारी हो जाती। चेक इन हैंड अकाउंट नाम का अकाउंट हम ओपन नहीं करते। समझ में आया यहाँ पे सबको? ये हमारी जनरल एंट्री हो जाती है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट की डायरेक्ट जनरल एंट्री हमारी हो जाती है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो जनरल एंट्री मैंने की है और समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। ये बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट की जनरल एंट्री कब होती? अगर हमने इस चेक को जो 17th अप्रैल पे हमने चेक रिसीव किया उस चेक के बारे में आगे 18th अप्रैल या किसी भी और आगे डेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम ये अज्यूम कर लेते कि हमने ना सिर्फ ये चेक रिसीव किया बल्कि हमने इस चेक को इमीडिएटली डिपॉजिट भी कर दिया, और उस सिचुएशन में हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाती, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट की जनरल एंट्री हमारी हो जाती है। आई होप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। वापस से एक बार हम बढ़ते हैं अपने, अरे ये क्या है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, अगर माउस हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। 8.33 पे ही है। अब आप देखिए अप्रैल 18 पे आपको और एक ट्रांजेक्शन दे रखा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विशाल अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट। आपने गुड्स परचेज किया है अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट परचेज किया है। पेड बैंक चार्जेस ₹100। आपने जो गुड्स परचेज किया वो कितने का परचेज किया है? गुड्स तो आपने परचेज किया है ₹15,000 का, है ना, गुड्स आपने परचेज किया है 15,000 का, लेकिन साथ में जो आपने बैंक ड्राफ्ट दिया उस बैंक ड्राफ्ट के ₹100 आपने बैंक चार्जेस के भी पेमेंट किए, तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो गए एक साथ। देखते हैं इनकी किस तरह से जनरल एंट्री पास होगी। ठीक है, अप्रैल 18 पे ही है ये ट्रांजेक्शन भी, तो देखिए अप्रैल 18 पे आप देख सकते हैं दो जनरल एंट्रीज हमने कर रखी हैं। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर द सॉल्यूशन। यहाँ पे अप्रैल 18 पे यहाँ हमने एक नहीं बल्कि दो जनरल एंट्रीज की हुई हैं, आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहली जनरल एंट्री है जो कि हमने गुड्स परचेज किया ₹15,000 का, और नेक्स्ट जनरल एंट्री आपकी है जो कि हमने बैंक चार्जेस का पेमेंट किया है, है ना। तो दो जनरल एंट्रीज यहाँ पे टोटल आपको दिख रही हैं अप्रैल 18 पे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹15,000 एंड बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹100। अच्छा, ये जो चेक इन हैंड अकाउंट वाली चीज है, चेक इन हैंड अकाउंट कभी भी पेमेंट करते समय यूज नहीं आता है। पेमेंट करते समय तो आपको सिंपली क्या लेना है, बैंक अकाउंट ही यूज होता है। हाँ, चेक रिसीव करते समय जरूर ये सिचुएशन आपकी बन सकती है कि आप चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करें। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम आते हैं। ऑन अप्रैल 22 हमारे पास में ट्रांजेक्शन है, चेक ऑफ राकेश डिसऑनर्ड। अब ये कौन है राकेश, आप रिकॉल करें, राकेश वो है जिससे अप्रैल 18 पे हमने एक चेक रिसीव किया था, अप्रैल 17 पे हमने उससे चेक रिसीव किया था। और कितने का चेक था वो, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रैल 17 पे जब आपने चेक रिसीव किया राकेश से तो वो चेक था आपका समथिंग ₹10,000 का। फिर आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था अप्रैल 18 पे आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया वही सेम ₹10,000 का। अब अप्रैल 22 पे क्या हुआ, अप्रैल 22 पे वो चेक डिसऑनर हो गया है। जब आपने मनी रिसीव किया था तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सिचुएशन है कि वो चेक आपका डिसऑनर हो गया तो आपके अकाउंट में से पैसा चला गया।
अकाउंट में से पैसा चला गया, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए अप्रैल 22 पे आपकी जर्नल एंट्री की हुई है, दैट इज राकेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी राकेश से अमाउंट अब हम दोबारा से हमारा ड्यू हो गया, राकेश दोबारा से हमारा डेटर बन गया। सो राकेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री की हुई है और अमाउंट रुपीज 10,000 हमने यहाँ पे लिखा है, जबकि ट्रांजेक्शन में कोई अमाउंट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ये 10,000 कहाँ से आया भाई, जितने का चेक पहले रिसीव किया था उतना ही था अमाउंट, डिसऑनर होगा आपका, ठीक है। तो राकेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट की जनरल एंट्री हमने यहाँ पे की है फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे हैं सारे ट्रांजेक्शन अच्छे तरह से। और अगले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 24 के लिए हम बढ़ते हैं। सो वी डू हैव अ ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 24, रिसीव्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम राकेश। आप राकेश कौन है, राकेश वो है जिसका चेक डिसऑनर हुआ था। अब आप उससे क्या कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम राकेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने जैसे ही ड्राफ्ट रिसीव किया हाथों हाथ बोल रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इस बार हम उसको चेक इन हैंड नहीं बोलेंगे या ड्राफ्ट इन हैंड नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने सेम डेट पर अप्रैल 24 पे ही हाथों हाथ हमने डिपॉजिट कर दिया रुपीज 10,000 रुपीज का ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट, क्योंकि हमने सेम डे पे हाथों हाथ डिपॉजिट कर दिया ना। तो अप्रैल 24 पे देख सकते हैं आपने जर्नल एंट्री क्या कर रखी है, दैट इज अप्रैल 24 पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट की जर्नल एंट्री कर रखी है हमने। क्यों हमने डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, क्यों हमने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं किया, क्योंकि हमने इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया था उसको, इसलिए, ठीक है। अब एक बार देखते हैं अपने के अप्रैल 30th का क्या ट्रांजेक्शन हमें दे रखा है। तो अप्रैल 30th का ट्रांजेक्शन है हमारा गुड्स रिटर्न बाय अमित, कॉस्ट रुपीज 8,000, रिटर्न टू विनोद रुपीज 10,000। ध्यान से इस ट्रांजेक्शन को पढ़ें दोबारा से और समझने की कोशिश करें कि इस ट्रांजेक्शन में क्या जर्नल एंट्री होगी और कितना अमाउंट आएगा। एक बात हमें यह भी समझना है कि विनोद कौन है, हमें यह भी समझना है कि अमित कौन है, ठीक है। तो उसके बजाय अपन ये दूसरा काम और भी कर सकते हैं कि हम ये देखें गुड्स रिटर्न बाय अमित लिखा है। गुड्स रिटर्न बाय अमित का मतलब क्या है कि अमित ने हमें गुड्स रिटर्न किया। अमित ने अगर हमें गुड्स रिटर्न किया है तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि अमित हमारा कस्टमर रहा होगा, अमित वो पर्सन रहा होगा जिसको हमने गुड्स सेल किया था, जिसको हमने गुड्स सेल किया था वो पर्सन ये रहा होगा अमित, है ना। और उससे हमने जब गुड्स वापस रिटर्न आया है तो ये क्या बन जाता है, जब भी कभी सेल किया हुआ गुड्स आपके पास में रिटर्न आएगा, जब भी कभी सेल किया हुआ गुड्स आपके पास में रिटर्न आएगा तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब भी सेल किया हुआ गुड्स आपके पास में रिटर्न आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो बात आती है कि इस सेल्स रिटर्न अकाउंट के सामने आपका कितना अमाउंट आएगा। तो दोबारा से पढ़े क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय अमित, ऐसी गुड्स जिसकी कॉस्ट 8,000 रुपीज की थी वो आपको अमित ने वापस रिटर्न कर दी, और कितने में 10,000 रुपीज में। तो सेल्स रिटर्न आपके कितने की है, हमारी सेल्स रिटर्न है रुपीज 10,000 की। और आपने क्या किया, आपने उन गुड्स को वापस विनोद को दे दिया, आपने वो गुड्स वापस विनोद को दे दिया। तो विनोद को आपने जब वो गुड्स दी तो वो गुड्स कितने की हो गई, ये भी सोचिए कि आपने वो गुड्स क्या किया, आपने गुड्स अपने पास नहीं रखा, आपने वो गुड्स वापस विनोद को दे दिया। तो विनोद कौन हो सकता है, विनोद वो पर्सन हो सकता है जिससे आपने वो गुड्स परचेज की थी। आपने अगर वो गुड्स विनोद को रिटर्न की हैं तो वो विनोद कौन हो सकता है, विनोद वो पर्सन हो सकता है जिससे आपने वो गुड्स परचेज की थी। तो आपने जब अमित से गुड्स रिसीव किया तो वो गुड्स कितने का था, 10,000 का। लेकिन जब आप विनोद को वो गुड्स रिटर्न करोगे तब भी आप क्या 10,000 रुपीज रिसीव होगा क्या, नहीं, विनोद तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस ही देगा। और विनोद कौन है, विनोद वो है जिससे हमने वो गुड्स परचेज की थी, समझ रहे हैं आप, विनोद कौन है, विनोद वो पर्सन है जिससे हमने वो गुड्स परचेज की थी। तो जब परचेज की हुई गुड्स वापस रिटर्न हो रही हैं, ध्यान से सुनिए, जब परचेज की हुई गुड्स वापस रिटर्न हो रही हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट।
जब परचेज की हुई गुड्स वापस रिटर्न होती हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और बात ये आती है कि यहाँ पे जो परचेज रिटर्न है इसमें अमाउंट कितना होगा, क्या 10,000? नहीं, हमने गुड्स 8,000 का परचेज किया था तो हम जब रिटर्न करेंगे तब हमें वापस 8,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अमाउंट परचेज रिटर्न में कितना आएगा, रुपीज 8,000 ही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ या जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसी से ये समझ में आती हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन तो एक ही है, गुड्स रिटर्न बाय अमित रुपीज कॉस्टिंग रुपीज 8,000, रिटर्न टू विनोद रुपीज 10,000। लेकिन इस एक ट्रांजेक्शन की कितनी जनरल एंट्रीज होंगी, दो जनरल एंट्री होंगी और दोनों जनरल एंट्री में अमाउंट अलग अलग होगा। पहली जनरल एंट्री होगी जो कि आपकी सेल्स से रिटर्न की है 10,000 से, और दूसरी जनरल एंट्री होगी जो कि 8,000 की है परचेज रिटर्न की। और पहले अगर आपने परचेज रिटर्न की एंट्री करती तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में गुड्स वापस रिटर्न आएगा तभी तो आप वापस उसको विनोद को रिटर्न करोगे। ठीक है, तो जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है इसका नेचर क्या होगा, इस बात को समझिए आप कि जो सेल्स अकाउंट है इसका नेचर क्या होगा। सेल्स का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, आप लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सेल्स का नेचर क्या पढ़ाया था मैंने आपको, दैट सेल्स ऑलवेज हैव अ, सेल्स का नेचर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। सेल्स का क्या पढ़ाया था, दैट सेल्स ऑलवेज हैव अ कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो फिर, अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब हमारे सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का हमारा हो जाएगा डेबिट बैलेंस। क्या बोला मैंने, अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न तो उसके अपोजिट है ना। तो अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमारे सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस। और सेल्स रिटर्न को तो हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कैसे करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम उस पर्सन को जिसने हमें गुड्स वापस रिटर्न किया। किसने गुड्स रिटर्न किया था हमें वापस, हमें गुड्स रिटर्न आया था अमित से, तो हमारी जर्नल एंट्री में यहाँ पे नाम आ जाएगा अमित का। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री में नाम आ जाएगा किसका, अमित का, क्रेडिट हो जाएगा अमित। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि हम अमाउंट लिख सकें, रुपीज 10,000 इन क्रेडिट आ जाएंगे। तो दोबारा से मैं बताता हूं, सेल्स का मैंने आपको बता रखा है कि सेल्स जो होता है सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न को अगर आपने डेबिट किया है तो क्रेडिट आप किसे करेंगे, क्रेडिट हम उस पर्सन को करेंगे जिससे हमने वो गुड्स रिसीव किया है। तो हमने यहाँ पे बिकॉज अमित इज द गिवर ऑफ दीज गुड्स तो हमने अमित को क्रेडिट कर दिया, तो ये जनरल एंट्री हमारी सेल्स रिटर्न की हो गई। अब जल्दी से माइंड में सोचिए कि अगर सेल्स रिटर्न के साथ में हमने ऐसा किया है तो परचेज रिटर्न के साथ में क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि परचेज रिटर्न ऐसा अकाउंट होता है, सॉरी परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने आपको बताया था परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंगली तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो जाना चाहिए, अगर परचेज का डेबिट बैलेंस क्रेडिट होता है तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो जाना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ सोचने वाला मैटर ही नहीं है कि अगर आपका परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का हमारा कौन सा बैलेंस हो जाना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर परचेज रिटर्न को आपने क्रेडिट किया है तो डेबिट कैसे करोगे, अगर आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है तो आप डेबिट किसे करेंगे, तो हम डेबिट करेंगे किसे, हम डेबिट करेंगे विनोद को। समझ में आ रहा है ना, हमने परचेज रिटर्न को तो कर दिया क्रेडिट, अब बात आती है कि फिर परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया तो अब आप डेबिट किसको करोगे, तो हम डेबिट करेंगे उस पर्सन को जिसको हमने गुड्स रिटर्न किया है, तो यहां पे डेबिट होगा विनोद। विनोद्स अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, विनोद्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज विनोद इज द रिसीवर, आप विनोद को गुड्स दे रहे हो इसका मतलब विनोद रिसीव कर रहा है, तो विनोद रिसीव कर रहा है तो विनोद इज द रिसीवर, और हमारा तो रूल ही यही चलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही रूल चलता है ना हमारा, तो इसलिए विनोद क्या हो जाएगा, विनोद हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
सॉरी विनोद हमारा डेबिट हो जाएगा. क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज विनोद इज द रिसीवर. कितने अमाउंट से? रुपीज 8000 से. आई होप ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा. दो जनरल एंट्री मैंने आपके सामने कर रखी है, एक सेल्स रिटर्न की, एक परचेज रिटर्न की है. सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा. और जो चीज मैंने आपके सामने की है इसी चीज को मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ कि हमारे सॉल्यूशन में भी यही चीज है या नहीं है. तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा अप्रैल 30th पे जो दे रखा है, आप देख सकते हैं अप्रैल 30th पे हमारी एक नहीं बल्कि दो दो जनरल एंट्रीज की हुई है. फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी अप्रैल 30th पे है, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अमित, और अमाउंट कितना लिखा हुआ है? अमाउंट लिखा हुआ है 10,000. मैंने भी यही किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित रुपीज 10,000, है ना. नजर आ रही है आप लोगों को ये एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित रुपीज 10,000 मैंने किया है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित रुपीज 10,000 इन्होंने बुक में किया है. इसी तरह से आप सेकंड जनरल एंट्री देखें कि मैंने क्या किया, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट रुपीज 8,000 से, और यहाँ पे इन्होंने सेकंड जनरल एंट्री क्या कर रखी है, यहाँ पे इन्होंने सेकंड जनरल एंट्री कर रखी है विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और कितने अमाउंट से कर रखी है? रुपीज 8,000 से. सो फ्रॉम माई साइड आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट इन द बेस्ट मैनर. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अभी भी अगर कोई डाउट बचा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट 10 मिनट का वेट कीजिए. 10 मिनट बाद ये पूरा का पूरा वीडियो जो आपने 30 मिनट्स के भी क्लास अटेंड की है ये आपको यूट्यूब पे एज इट इज मिल जाएगा, मेरे चैनल पे के कॉमर्स अकेडमी पे. तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स जो भी क्वेरीज आपके रह गए उनको क्लियर कर सकते हैं. अभी अगर कोई कुछ